जयनाथ जी व्यास मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य राजस्व मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और पार्टी ने फैसला किया कि नेतृत्व के बारे में हम लेजिस्लेटर के बारे में ओपिनियन पूछेंगे। अब आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले जयनाथ जी व्यास को लोगों ने कहा कि आपके मंत्रिमंडल का एक सदस्य आपके सामने नेतृत्व का चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उसका त्याग पत्र लेना चाहिए। उन्होंने उनका त्याग पत्र नहीं लिया और चुनाव हुआ लीडर का बिटवीन जयनाथ व्यास चीफ मिनिस्टर एंड राजस्व मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में, और जो हमारे लेजिस्लेटर है उन्होंने निर्णय किया कि उनके पार्टी का नेतृत्व मोहनलाल सुखाड़िया करेंगे जो उनके राजस्व मंत्री थे और राजस्व मंत्री बाद में मुख्यमंत्री बने। उस निर्णय के कारण आज हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य के रूप में उसको चुनौती दे और मुख्यमंत्री का ऐसा फैसला हो। लोकतंत्र में ऐसे बिरले उदाहरण मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं राजस्थान की जिस परिप्रेक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसकी ऐतिहासिक महत्व है। ये राजस्थान की ये जगह जो खूबसूरत जगह है, यहाँ पर जो कल्चर, यहाँ पर जो सांस्कृतिक, उसके साथ साथ जो आजादी के बाद जो राजनीतिक जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं उसमें भी इस क्षेत्र की अमुख प्रमुख भूमिका रही है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं जिस क्षेत्र का हूँ मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र के वो जोधपुर के हैं, माननीय ओम बिरला जी वो कोटा के हैं, माननीय राजेंद्र जी राठौर गंगानगर के हैं, माननीय संयम जी लोढ़ा सिरोही क्षेत्र के हैं। पूरे राजस्थान की जो अलग अलग ज्योग्राफी है उनके अलग अलग जनप्रतिनिधि यहाँ पर आप मंच पर बैठे हुए हैं। मैं ये भी स्मरण करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितनी रिच पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो परंपराएं डाली है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहनलाल जी सुखाड़िया उदयपुर से ही लंबे समय तक विधायक रहे। भैरव सिंह जी शेखावत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने 90 के बाद, वो भी 85 में, बहुत कम लोगों का स्मरण होगा, मेवाड़ की निम्बाड़ा क्षेत्र से विधानसभा के। तो राजस्थान में मेवाड़ का ये जो क्षेत्र है वो बिरला क्षेत्र है जहां पर मोहनलाल सुखाड़िया जी और भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में लोकतंत्र की आजादी के बाद जो परंपराएं निर्वण की, उस निर्वण के कारण आज हम बड़े सम्मान के साथ कह सकते हैं कि आज राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में जिस तरह की ट्रेडिशंस पार्लियामेंट्री पे हमारे यहाँ विधानसभा की है, उन सब के लिए हमें आज बहुत गर्व होता है। और यही परंपरा मुझे मिली जब मैं अध्यक्ष बना, तब मेरे यहाँ क्षेत्र के मेवाड़ के ही मिस्टर गुलाबचंद जी कटारिया लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और आज राजेंद्र जी राठौर अपोजिशन के लीडर हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन है वो हमारे इस विधानसभा का हुआ, उसमें ये जो परंपरा मोहनलाल सुखाड़िया जी और भैरव सिंह जी ने अपनाई थी, उस परंपरा का निर्माण आज भी राजस्थान में किया जा रहा है। और यही हम सबको समझने की आवश्यकता है कि 9th रीजनल कॉन्फ्रेंस में जो उदयपुर का हमने चयन किया, माननीय ओम बिरला जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये क्षेत्र उदयपुर में होना चाहिए, इसलिए मैंने उदयपुर के इस महत्व को समझते हुए ये आयोजन यहाँ करने का निर्णय किया और आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ एक कॉइंसिडेंस भी है माननीय बिरला जी, मैंने अपनी हायर एजुकेशन भी यहीं से स्टार्ट की थी। मैं स्कूल करके आया था नाथद्वारा में हायर सेकेंडरी करने के बाद, फिर मैंने फर्स्ट ईयर से अपनी सारी एजुकेशन उदयपुर में ली। मैंने एमएससी फिजिक्स किया, मैंने एमएस साइकोलॉजी किया, मैं यहाँ पर विश्वविद्यालय में छात्र नेता के रूप में भी अपना करियर प्रारंभ किया, मैं यहाँ पर शिक्षक के रूप में भी विश्वविद्यालय में मुझे काम करने का मौका मिला और आज मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इसी जगह पर आपका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। इसलिए मैंने बिरला जी को कहा था कि ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है, उस रीजनल कॉन्फ्रेंस में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो अमृतकाल में बहुत जरूरी चर्चा है। इस देश में जब डिजिटल क्रांति हो रही है, जहां व्यक्ति को अधिकार मिल रहा है, अब हमें सब बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी कि विधानसभा और लोकसभाओं में कैसे हम नियम और कानून को बदलने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे जनता जिसके आरटीआई और आईटी के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध है उससे ज्यादा इफेक्टिव सदन बने। ये आज हमारे सबसे बड़ी ज्यादा चुनौती है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल इस युग के अंतर्गत पार्लियामेंट और असेंबली ने इसमें आगे बढ़कर कदम उठाया है, वो आने वाले समय में इस देश में जनता को अपने आप को ताकत देगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संसदीय लोकतंत्र की 75 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं, आज दुनिया में हम ताकतवर होकर उभरे हैं, उसका एक कारण यही है कि संसदीय लोकतंत्र में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जाति धर्म से ऊपर उठकर हमने इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आइए आप और हम सब जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, सदन ठीक चले, प्रभावशाली ढंग से चले और जनता की आकांक्षाओं को हम जैसा चर्चा कर सकें, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जनता चुनती है विधायिका को,
और विधायक का अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी विधायक के प्रति, विधायिका और एग्जीक्यूटिव यदि ठीक ढंग से काम करें तो नीतियां प्रभावशाली ढंग से बनेगी और जनता को और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। सदन कम चलता है उसे विधायिका की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं बनती है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति नहीं बनती है। तो जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जो नीतियां बनती है उसमें जिस तरह का हम और प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं उसमें कुछ कमी आती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप और हम सब चर्चा करेंगे तब सीपीए के माध्यम से देश की जनता को हम आश्वस्त कर सकें कि हम सब जो लोग जिनको उत्तरदायित्व मिला है जनतंत्र में विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष सभापति पद का, वो अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से इन संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। माननीय बिरला जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कारण ये आज हम यहाँ पर आयोजित कर सके। मैं सीपीए के जो चेयरपर्सन है उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे साथी राजेंद्र जी राठौर सीएम जी लड़ो का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस गरिमामय उपस्थिति को उन्होंने बनाया, उसके लिए भी उनका सबका आभार और आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार।